नमस्ते किसान मित्र, मैं हूँ अर्पित पटेल और हमारे चैनल आधुनिक खेती में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पहले भी पारस मनी एग्रीटेक के द्वारा रेडी किए हुए जो कृषि के लगते यंत्र, वो हमने पहले बहुत ज्यादा मशीन देख ली है। अभी आज उसी रेंज के अंदर एक और नया इक्विपमेंट जो अपना डिस्क हैरो है, वो आज हम देखने वाले। देख लेते कि कौन कौन से स्पेयर पार्ट है, उसके बाद इसको कैसे ज्वाइंट करते हैं और ये जो अपना खेत है उसी के अंदर हम इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन भी देखने वाले हैं। तो किसान मित्र, आप अंत तक वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं कि जो भी अपना मशीन हम अगर उसके पास के हम मंगवा दें पारस मनी एग्रीटेक से, तो कौन कौन से इक्विपमेंट आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं। इसी तरह से आप अगर मशीन मंगवाते हो तो आपके पास इसी टाइप का अपना बॉक्स आएगा जो आपको घर तक डिलीवरी मिलेगा। इसी के साथ आपको यहाँ पे पूरा एक सेट देख रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे इंक्लूडिंग के अंदर यहाँ पे दो डिस्क है जो अपना हैरो डिस्क दोनों साइड का दिया हुआ है। उसी के साथ आपको एक फ्रेम देखने को मिलेगा, अपना ये रोलर वाला जो फ्रेम है जो बेरिंग पे बना हुआ पूरा एक फ्रेम है, इसको हम ओपन करके देखेंगे। इसी के साथ एक इसको जॉइंट, दो डिस्क को जॉइंट लगाने के लिए एक फ्रेम दिया गया है। उसी के साथ आपको यहाँ पे पूरा हैंडल का सेट भी एक मिलेगा और इसी के साथ आपको काम करने के लिए मतलब बोल्ट को फिटिंग करने के लिए आपको एक स्पैनर का सेट भी दिया जाएगा। इसी तरह से पूरा सेट जो आपको रेडी टू यूज मिलेगा। यहाँ पे हैरो डिस्क के उसके अंदर भी दोनों ओर बेरिंग लगा हुआ है ताकि आपको ये रनिंग भी स्मूथली लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आसानी से यहाँ पे रनिंग आपको दिख रहा है। इसको लगाने के लिए आप इसको थ्री साइड से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब इसको अंदर बाहर आपको जिस भी साइड सेट करना है, जितने एंगल पे सेट करना है आप सेट करने के लिए यहाँ पे तीन होल भी दिए गए। यहाँ पे हमने ये एडजस्टमेंट रेडी किया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों बेरिंग पे बने होने की वजह से एकदम आसानी से यहाँ पे रन करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। पाइप को अंदर डाल के आपको होल यहाँ पे मैच कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा फ्रेम है, यहाँ पे पूरा बेरिंग पे बना हुआ है। बेरिंग पे बना हुआ की वजह से ये चक्का भी आसानी से आपका रन करेगा। हैंडल को भी हाइट के मुताबिक एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे तीन होल दिए गए हैं ताकि आप अपने हैंडल को अपना हाइट के मुताबिक आप हाई हैंडल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरा मशीन का जो अपना सेट था उसको हमने रेडी कर दिया है। अब ये मशीन का डेमोस्ट्रेशन हम फील्ड पे जाके देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसके डेमोस्ट्रेशन के बारे में। पहले आप इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे ब्लेड रहेगा जो दोनों ओर रहेगा, ये आगे का फ्रेम है और ये अपना हैंडल है। ये आपको पूरा का पूरा सेट आपको मिलने वाला है। तो किसान मित्र, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसके डेमोस्ट्रेशन के बारे में। किसान मित्र, हमने पहले पूरा फिटिंग, इसको प्रॉपर कैसे फिटिंग करते हैं उसके बारे में हमें वीडियो देगा। अब हम इसका डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे फील्ड पे देखने वाले, तो कैसे काम करेगा ये मशीन, कैसे अपना इसको ऑपरेट कर दे उसके बारे में हम आज पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह से आप अटैचमेंट को भी अंदर बाहर कर सकते हैं और इसी के साथ अपना यहाँ पे थ्री होल है जिसको आप यूज़ करके आप अपना हैंडल को छोटा या हाइट पे ऊपर की ओर भी ले जा सकते हैं। तो आप अभी ये मशीन का हम डेमोस्ट्रेशन यही फील्ड के ऊपर देखेंगे, ये मशीन कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे इसको आपको ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पे हैंडल को पकड़ के आपको यहाँ आसानी से यहाँ पे प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यहाँ पे पूरा प्लाव लग रहा है। आप यहाँ पे प्लाव का क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये
आप ए मशीन को आसानी से आप काम करके आप चार मजदूरों का काम एक ही मजदूर से आसानी से निपटा सकते हैं और अपने जो खेती के अंदर लागत भी आता है उसको आप आसानी से कम कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि प्लाव कैसे लग रहा है, तो आप यहाँ पे डिस्क कैसे काम कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि जैसे आप हम यहाँ से धक्का लगाएंगे उसी तरह से ये डिस्क अपना आगे जाएगा और अपने आगे का जो रोलर है उसको वो आगे जाने में मदद करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरह से अपना मशीन आपको प्रॉपर काम करके देगा। आप इसी तरह से अपना मशीन को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और अपना डिस्क प्लाव भी आप आसानी से लगा सकते हैं। किसान मित्र, अभी हमने इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन हमने अभी फील्ड के ऊपर देखा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये मशीन का क्वालिटी कैसा है। अब हम इसके बाद इसको खरीदना अगर कोई किसान मित्र चाहता है तो इसको कैसे खरीदा जाता है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो आपको ये मशीन खरीदने के लिए पारस मनी एग्रीटेक जो गुजरात से, उनका नंबर आपको डिस्प्ले के ऊपर स्क्रॉल होता हुआ दिखाई देगा। आप वहीं से नंबर को संपर्क करके आप मशीनें आसानी से अपने घर तक मंगवा सकते हैं। आप किसी भी जगह पे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह पे होगे, आपका ये मशीन घर तक अपना डिलीवरी हो जाएगा। तो ये मशीन को ख़रीदने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे जो भी नंबर स्क्रॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है आप वहीं से पारस मनी एग्रीटेक का संपर्क कीजिए और ये मशीन आसानी से मंगवाए। तो चलिए किसान मित्र, हम ऐसे ही नए और वीडियोज़ के साथ अपने चैनल पर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।